आई होता है। अब एम का पास्ट क्या होगा, वर्क ही वॉज, इसीलिए एम को भी सिंगुलर में रखा गया है, इसीलिए एम को भी रखा गया है सिंगुलर में। आप चाहे तो सेपरेट के रूप में समझ सकते हैं कि एम का मतलब सिंगुलर होता है और ये आई के साथ होता है, इसका पास्ट हमेशा वॉज है। देखिए एग्जांपल, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर हैज ब्रॉट देयर लगेज। जो रूल है आपके पास लिखा उसको फॉलो हो रहा कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा ना? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी लिखा गया है कि जब नाइदर का यूज सब्जेक्ट की तरह हो तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ होता है? सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? ये पूरा सब्जेक्ट है ना, नाइदर ऑफ द थर्ड पर्सन। बताइए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या, सेकंड में पर्सन लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिफ्लेक्सिव में वही है ना, माय सेल्फ आवर सेल्फ ये सब। लेकिन फर्स्ट पर्सन क्या, जो बोलने का काम करता है ना, बोलने का काम वही होता है फर्स्ट पर्सन में, आई और मी, ठीक है? और जो सुनता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू, और जिसके बारे में बात होता है वो होता है थर्ड पर्सन। ही सी इट दे, ये हो गया पर्सन। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, ठीक, जो बोलने का काम करता है, मतलब कि जब हम बोलने के लिए, जब हम बोलते हैं तो दो ही वर्ब का यूज करते हैं ना, या तो मैं या तो हम, ठीक है? और जिस